पेज नंबर 351, अ पॉपुलर लीडर। ये टॉपिक भी आपका बहुत इम्पोर्टेंट है कि गांधी में ऐसी क्या खास बात थी कि सब लोग उसको बहुत पसंद करने लग गए थे, इतना ज्यादा लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करने लग गए थे। ऐसी क्या बात थी गांधी जी के अंदर कि हर कोई उनसे कनेक्ट कर पा रहा था और उनको अपना लीडर मानने को तैयार था। बाय 1922 गांधी जी हैज ट्रांसफॉर्म्ड इंडियन नेशनलिज्म देयर बाय रिडीमिंग द प्रॉमिस ही हैड मेड इन हिज बीएचयू स्पीच ऑफ फेब्रुअरी 1916। सबसे पहले मुझे ये बताओ, मैंने फोटोग्राफ भेजी थी ना अंडरलाइन चैप्टर की, फोटोग्राफ आ गई? सो 1922 तक गांधी जी ने पूरे हिंदुस्तान का नेशनलिज्म राष्ट्रवाद बदल दिया था। हर कोई अब गांधी की बोली बोल रहा। इट वॉज नो लॉन्गर अ मूवमेंट ऑफ प्रोफेशनल इंटेलेक्चुअल्स, नाउ 100,000 ऑफ पेजेंट्स वर्कर्स एंड आर्टिसंस ऑल्सो पार्टिसिपेटेड इन इट। तो अब ऐसा, पहले 1922 से पहले क्या होता था, सिर्फ पढ़े लिखे लोग जो है शांतिपूर्वक तरीके से वो जो है लड़ाइयाँ कर रहे हैं और सिर्फ पढ़े लिखे लोग इसके अंदर एंटर कर रहे हैं, पैसे वाले लोग एंटर कर रहे हैं। बट गांधी जी के आने से सबसे खड़ी बड़ी बात, सबसे डिफरेंट खास बात ये हुई थी कि पेजेंट्स वर्कर आर्टिसन लोअर तबके का इंसान भी अब देश की आजादी के लिए जुट गया था। मेनी ऑफ देम वेनरेटेड गांधी जी, रेफर टू हिम एज देयर महात्मा। तो गांधी जी के इस नाम के साथ एक नया टाइटल ऐड हो गया था, महात्मा, महान आत्मा। ठीक है, तो ये क्या खास बात थी कि गांधी इतने फेमस हो गए थे? तो हर कोई गांधी की बात मानता था, गांधी को पूजा करता था। वेनरेटेड का मतलब है पूजनीय मानना किसी को, और उनको महात्मा बोला करते थे। तो नेक्स्ट आगे है, ये जो लोग थे 352 पेज, दे अप्रिशिएटेड द फैक्ट दैट ही ड्रेस लाइक देम। सबसे खास बात थी गांधी का पहनावा, वो जो है आम इंसान की तरह बनियान और धोती इसके अंदर रहता था। गांधी जो है वो ब्रिटिशर्स की स्टाइल से, दो ही वॉज फ्रॉम ब्रिटेन एंड साउथ अफ्रीका में उनका एक्सपीरियंस था, बट वो उनकी तरह ड्रेसअप ना होके आम हिंदुस्तानी की तरह ड्रेसअप होते थे, धोती कुर्ता, धोती बनियान, धोती के अंदर वो रहते थे। उन्हीं की आम आदमी की भाषा बोला करते थे, हाई फाई इंग्लिश नहीं मारा करते थे। अनलाइक अदर लीडर ही डिड नॉट स्टैंड अपार्ट फ्रॉम द कॉमन फोक। अगर वहीं पे आप नेहरू को देखो तो बंद गला पहन रहे हैं, ठीक है, चाचा नेहरू को। अगर आप जो है बी आर अम्बेडकर को तो देखो तो पेंट कोट के अंदर है। तो वहीं पे गांधी बिल्कुल उनकी बोली बोलता है, आम जनता की, आम जनता जैसे कपड़े पहनता है, आम जनता के बीच में रहता है। इसलिए गांधी बहुत फेमस हुआ, आम आदमी पार्टी के एक तरह से ये प्रवक्ता हो गए। बट एम्पथाइज एंड इवन आइडेंटिफाइड विद देम, तो ही वॉज वेरी मच लाइक एन आम आदमी, ही वॉज वेरी मच लाइक अ कॉमन फोक। दिस आइडेंटिफिकेशन वॉज स्ट्राइकिंगली रिफ्लेक्टेड इन हिज ड्रेस। जो उनका पहनावा था वो भी एक आम जनता जैसा पहनावा था, जिसकी वजह से आम जनता उनके साथ बहुत ज्यादा कनेक्शन फील करती थी। वाइल अदर नेशनलिस्ट लीडर, जहाँ पे देखा जाए कि बाकी सारे जो लीडर्स थे वो अलग कपड़े पहन रहे हैं, तो वेस्टर्न सूट पहन रहे हैं अम्बेडकर की तरह, या फिर इंडियन बंद गला पहन रहे हैं जवाहरलाल नेहरू की तरह। गांधी जी जो है वो धोती में या फिर वो शेर की खाल के कपड़े में रहते थे। मीन वाइल वो जो है चरखा चलाया करते थे, वो क्या करते थे, कपड़े बुनते थे, कपड़े सिलते थे, चरखा यान बनाते थे, जो एक आम इंसान का काम होता है। एंड एनकरेज, ये चरखा क्या रिप्रेजेंट करता है, सेल्फ डिसिप्लिन, आपका सेल्फ डिपेंडेंसी को शो करता है कि आपको अपना जीवन यापन करने के लिए किसी और के ऊपर निर्धारित होने की जरूरत नहीं है, आप खुद भी अपना पेट भर सकते हो। ठीक है, मेक इन इंडिया। तो एनकरेज अदर नेशनलिस्ट टू डू लाइक वाइज, कि आप भी इंडिपेंडेंट रहे, सेल्फ डिपेंडेंट रहे। द एक्ट ऑफ स्पिनिंग अलाउड गांधी जी टू ब्रेक द बाउंड्रीज दैट प्रिवेल्ड विद इन द ट्रेडिशनल कास्ट सिस्टम। कि फिजिकल लेबर जनरली हम क्या मानते हैं कि दिमाग लगाने का काम हाई क्लास लोगों का होता है, और हाथ का मेहनत करना, वजन उठाना, फिजिकल मेहनत का काम लोअर कैटेगरी के लोगों का होता है। पर गांधी ने कहा नहीं, मैं एक आम नागरिक हूँ, मैं दिमाग भी चला सकता हूँ और बॉडी के भी यूज ले सकता हूँ, तो फिजिकल एंड मेंटल लेबर दोनों मिक्स होके आपका एक यूनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ये मेंटल लेबर और मैनुअल लेबर का डिफरेंस हटाना चाहते थे। इन अ फैसिनेटिंग स्टडी द हिस्टोरियन शाहिद आमिन हैज ट्रेस्ड द इमेज ऑफ महात्मा गांधी अमंग द पेजेंट्स ऑफ ईस्टर्न उत्तर प्रदेश एज कन्वेड बाई रिपोर्ट्स एंड र्यूमर इन द लोकल प्रेस व्हेन ही ट्रैवल्ड थ्रू द रीजन इन फेब्रुअरी 1921। गांधी वाज रिसीव्ड बाय डॉनिंग क्राउड्स एवरीवेयर। गांधी जहां जाते थे बहुत फेमस हो जाते थे, दुनिया उनको देखने के लिए आती थी कि हमारा महात्मा आ गया है। दिस इज हाउ हिंदी न्यूज़पेपर इन गोरखपुर रिपोर्टेड द एटमोसफियर ड्यूरिंग द स्पीचेस। जब गांधी स्पीच देते थे तो क्या समा बनता था, उसके बारे में बात हो रही है। एट भटनी, दैट्स अ प्लेस इन यूपी,
गांधी जी एड्रेस्ड द लोकल पब्लिक एंड देन ट्रेन स्टार्टेड फॉर गोरखपुर। देयर वर नॉट लेस देन 15 to 20,000 पीपल एट नुनखा, देवरिया, गौरी बाजार, चौरी चौरा एंड कुशमी। महात्मा वॉज प्लीज टू विटनेस द सीन एट कुशमी। तो जैसे ही अपनी स्पीच देकर ट्रेन में चढ़े, उस रेलवे स्टेशन के ऊपर हजारों लाखों लोग, 15 से 20 हजार लोग आए हुए थे। और जबकि जिस स्टेशन से, जिस रेलवे स्टेशन से गांधी चढ़े थे वो एक जंगल के बीच में था, फिर भी उनसे मिलने के लिए 10,000-20,000 लोग वहां पे खड़े थे। तो ये सब प्यार था लोगों का गांधी के लिए। लोग रो रहे हैं गांधी वहां से जा रहे हैं। एट देयर पीपल वांटेड टू गिव बिहेंड डोनेशन टू गांधी जी की हमारी तरफ से आप ये रखिए। एंड बट ही आज एंड टू गिव दिस एट गोरखपुर, बट एट चौरी चौरा वन ऑफ द मारवाड़ी जेंटलमैन मैनेज टू हैंड ओवर समथिंग टू हिम, देन ही वॉज देर वॉज नो स्टॉपिंग। तो एक मारवाड़ी बनिया था, उसने जबरदस्ती गांधी के हाथ में कुछ रख दिया। और जब से लोगों ने देखा कि गांधी ने एक्सेप्ट कर लिया है उसका दिया हुआ गिफ्ट, सब लोग पागल हो गए और उसको गिफ्ट्स पे गिफ्ट्स दिए जा रहे हैं। एक बहुत बड़ा चादर बिछाया गया, उसमें नोट सिक्के भर भर के डाले गए। वो देखने वाला एक दृश्य था। आउटसाइड द गोरखपुर स्टेशन द महात्मा स्टूड विद द हाई कैरेज एंड पीपल हैड गुड दर्शन ऑफ हिम फॉर अ कपल ऑफ मिनट्स। गांधी को एक रेलगाड़ी से बैलगाड़ी के ऊपर खड़ा कर दिया गया। वो ऐसे ऐसे वेव कर रहे हैं अपना हाथ, यू 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 यू, एंड सब लोग जो हैं उनके दर्शन के लिए आए हुए हैं। इतना समझ में आया? अब हम आते हैं सोर्स नंबर वन। दो ये सोर्स कभी एग्जाम में नहीं आया, इस चैप्टर से सोर्स बहुत कम आते हैं, शायद आए भी नहीं है, बट ये आपको पढ़ के जाने। चरखा सोर्स वन। महात्मा गांधी वॉज प्रोफाउंडली क्रिटिकल ऑफ द मॉडर्न एज इन विच मशीन्स एनस्लेव्ड ह्यूमंस एंड डिस्प्लेस्ड लेबर। गांधी जी मशीनी युग के, इंडस्ट्रियल एज के बिल्कुल डिफरेंट अगेंस्ट थे। वो क्या कहते थे कि ये मशीन्स की वजह से इंसान का जो लेबर है उसकी वैल्यू खत्म हो गई है। ही सॉ द चरखा एज अ सिंबल ऑफ ह्यूमन सोसाइटी वेयर विच वुड ग्लोरीफाई नॉट द मशीन्स एंड टेक्नोलॉजी। तो ये चरखा जो है, हैंडमेड चरखा, हाथ से चलने वाले चरखा, इसलिए रिप्रेजेंट करते हैं कि ये मशीन्स के अगेंस्ट थे और हाथ की मेहनत में ज़्यादा बिलीव करते थे। स्पिनिंग व्हील मोर ओवर कुड प्रोवाइड द पुअर विद सप्लीमेंट्री इनकम एंड मेक देम सेल्फ रिलायंट। ये जो चरखा है इंसान को सेल्फ रिलायंस देने में हेल्प करता है। वट आई ऑब्जेक्ट टू इज द क्रेज फॉर मशीनरी एज सच, कि लोग दुनिया तो मशीनों के पीछे पागल हो गए हैं, लेबर बचाने के चक्कर में लेबर्स को ही, कि ज़्यादा लेबर को काम ना देना पड़े इस चक्कर में वो लेबर को ही मारने को तैयार हो गए हैं। गरीबी छा गई है, लोगों के पास काम धंधा नहीं है, ये सब चीज़ें उन्होंने बोली। तो बेसिकली ये चरखा जो है सेल्फ रिलायंस को रिप्रेजेंट करता है। ये चरखे की वजह से गांधी जो है बहुत फेमस हुए। आपको ऊपर का पैराग्राफ लेना है कि गांधी का पहनावा, गांधी की बोली, गांधी का काम करने का तरीका, मेंटल लेबर और फिजिकल लेबर को मिक्स करके चलने की तकनीक उनको बहुत फेमस कर गई थी। देन सोर्स टू पे आते हैं। ये सोर्स भी कभी नहीं आया, देयर आर गुड चांसेस इस बार भी नहीं आएगा। The miraculous and the unbelievable. Local newspaper in the United Province recorded many of the rumors that circulated at the time. There were rumors that every person who wanted to test the power of Mahatma had been surprised. So Mahatma ko, Gandhi ko bhagwan se kam nahi mana ja raha tha. Aisa mana ja raha tha ki Mahatma Gandhi ke paas ek devya shakti hai. First, Sikandar Sahu from village in Basti said on 15th February that he would believe in Mahatma when the kada. The boiling pan full of sugar cane juice in his karkhana where gold was produced split into two. Immediately the kada actually split into two from the middle. Gandhi pe gira, is pe gira ki matlab kada gira wo do hisson mein bat gaya. I don't know. A cultivator in Azamgarh said that he would believe in Mahatma Gandhi's authenticity if sesamum sprouted in his field planted with wheat. Next day all the wheat in the field became sesamum. तो बेसिकली इसमें हवाबाजी कर रहे हैं कि गांधी को देख के जैसी मेरा वो गन्ने का रस गिरा वो दो हिस्सों में बट गया, जैसी मेरे गांधी मेरे खेत के पास से निकले तो मेरे खेत के जो अंदर के प्लांट्स थे, क्रॉप्स थे, वही बदल गए। तो इट वॉज जस्ट कि गांधी को भगवान की तरीके से एक लेवल दिया जा रहा है। पेज 353 सेकेंड पैराग्राफ। वेर एवर गांधी जी वेंट, जहाँ जहाँ गांधी जाते थे एक अफवाह फैल जाती थी उनकी विस्मय शक्तियों की, उनकी देवी शक्तियों की, मिराकुलस पावर की। And some places it was said that he had been sent by the king. Unko raja ne bheja to redress the grievances of farmer and that had the power to overrule all the local officials. Ki Gandhi jo hai, sare local officials, sare Britishers, sabse upar unhe raja ne bheja hai hum kisano ki madad ke liye. In other places it was claimed that Gandhi power was superior that of English monarch. Wahan ki jo angrezo ki rani thi, angrezo ke jo raja the, unse bhi upar Gandhi ki taakat hai. एंड विद हिज अराइवल कॉलोनियल पावर खत्म हो जाएंगी, वो हिंदुस्तान को छोड़ के अंग्रेज लोग भग जाएंगे।
There were also stories reporting dire consequences for those who opposed him. तो एक और अफवाह चल पड़ी थी कि जो गांधी की बात नहीं मानेगा उसको मृत्युदंड वैसे ही मिल जाएगा, भगवान उसको मार देगा। ठीक है, तो उन्होंने लोगों ने क्या बोला कि जो गांधी को बारे में बुरा बोलेगा, जो गांधी को क्रिटिसाइज करेगा, उसका घर तबाह हो जाएगा। अगर ये मैसेज 10 लोगों तक नहीं गया तो तुम्हारे साथ कुछ बुरा हो जाएगा। वैसे ही आप गांधी के बारे में भी कुछ भी गलत नहीं बोल सकते। तो गांधी को लेके इतना स्ट्रॉन्ग सब बातें फैलने लगी, तो इसलिए वो नेशनल लीडर भी बन गए थे। नेक्स्ट पैराग्राफ, नोन वेरियसली एज गांधी बाबा, गांधी महाराज और महात्मा, गांधी अपीयर टू बी इंडियन पेजेंट एज अ सेवियर हु वुड रेस्क्यू देम फ्रॉम हाई टैक्सेस। तो हर किसान, हर खेती बाड़ी करने वाला व्यक्ति उन्हें महात्मा, बाबा, महाराज कह के बुलाता था, और उन्हें लगता था कि गांधी उनको ये टैक्स की बेड़ियों से, ऑप्रेसिव रूल से बचा के ले जाएंगे, उन्हें सेल्फ रिस्पेक्ट दिलाएंगे। गांधी जी अपील अमंग द पुअर पीपल एंड प्रेजेंट इन पर्टिकुलर विद एन एस वाइज एसेटिक लाइफस्टाइल। उनका जो रहने का तरीका था मोह माया त्याग के, वही उनको जो है आम जनता के सारे सबसे ज्यादा करीब ले गया। एंड उनका जो पहनावा था, धोती और चरखा, ये उनको बहुत फेमस कर गया था। महात्मा गांधी वॉज बाय कास्ट अ मर्चेंट। तो वैसे जो कास्ट वाइज ये बनिया थे, ट्रेडर थे, एंड बाय प्रोफेशन वो लॉयर थे, बट उनका जो रहने का तरीका था एंड अपने हाथों से काम करने का तरीका था, वो लेबर, पुअर क्लास वगैरह के साथ काफी उन्हें कनेक्ट कर गया। उनका एम्पथाइजिंग लेवल बहुत हाई था। एक देश के अंदर हमेशा गरीब ज्यादा होते हैं, इन्होंने गरीब के ऊपर सीधा अपना छाप छोड़ दिया था, गरीब इनके दीवाने हो गए थे। अदर पॉलिटिशियन टॉक डाउन टू देम, गांधी जी अपीयर नॉट जस्ट टू लुक लाइक देम बट टू अंडरस्टैंड देम एंड रिलेट टू देयर लाइफ। गांधी का जो रहने का तरीका था वो उन आम जनता के साथ उन्हें काफी कनेक्ट कर गया। सोर्स टू का हम आगे भी पढ़ रहे थे, देर वर र्यूमर्स, सोर्स टू की कंटिन्यूएशन पे आएंगे हम साइड में, देर वर र्यूमर्स दैट दोज हु अपोज महात्मा गांधी इनवेरिएबली मेट विद सम ट्रेजेडी। ऐसा माना जाता था जो गांधी के बारे में बुरा बोलेगा उसके साथ कुछ गलत हो जाएगा। फर्स्ट, अ जेंटलमैन फ्रॉम गोरखपुर सिटी क्वेश्चन द नीड टू प्लाय द चरखा, हिज हाउस कॉट फायर। एक ने पूछा कि ये चरखा चरखा क्या है, क्यों चरखा चलाता है, उसे घर में आग लग गई। In April 1921, some people were gambling in a village of Uttar Pradesh. Somebody told them to stop. Only one from amongst the group refused to stop and abused Gandhiji. The next day, his goat was bitten by 4 of his own dogs. So, एक ने गांधी की बात नहीं मानी और बोला हम gambling करेंगे, उसके बकरी को उसके कुत्ते खा गए। In a village in Gorakhpur, the peasant resolved to give up drinking liquor. One person did not keep his promise. As soon as he started the liquor shop, brickbats starting to rain in his path. When he spoke the name of Gandhi, the brickbats stopped flying. तो बस वही है कि ये जो है चमगादड़ होने लग गए, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, आप गांधी जी के बारे में कुछ भी गलत नहीं बोल सकते। यहाँ तक क्लियर है? बहुत फास्ट तो नहीं हो रहा? बोलो। हाँ ये गांधी जी स्पीच देके गए थे, ये बेसिकली ये गांधी के पीछे दीवानापन दिखाया हुआ है कि गांधी जब एक जगह से स्पीच देके दूसरी जगह के लिए रेलवे स्टेशन पे जाते थे कि मैं दूसरी जगह जा रहा हूँ, लोग दीवानों की तरह उनके पीछे 20,000 15,000 की तादाद में पहुंच जाते थे। ठीक है, उन्हें मैटर नहीं करता था कि वो रेलवे स्टेशन जंगल के बीच में है, शहर में है, कोई फर्क नहीं पड़ता था। लोग हजारों की तादाद में, 10-20 हज़ार इज अ वेरी ह्यूज नंबर, ये उस टाइम पे लोग इनके पीछे पीछे उनको बाय बाय करने, सी ऑफ करने, उनको देखने के लिए पहुंच जाते थे, और हर कोई डोनेशन गिफ्ट करना चाहता था उन्हें कि आप हमारी तरफ से ये पैसे रखिए, ठीक है, आपके काम आएगा, या आप दूसरों लोगों की मदद करते हो तो आप ये पैसे रख लीजिए। तो गांधी लेते नहीं थे, बट एक मारवाड़ी बनिया ने उसके हाथ में, गांधी के हाथ में गिफ्ट पकड़ा दिया। ये देख के तो लोग पागल हो गए, गांधी जी ने गिफ्ट ले लिया, उन्होंने सीधा चद्दर बिछाई और ऊपर से गिफ्ट फेंकना शुरू कर दिया कि ये लो ये लो ये लो ये लो। और गांधी जी जैसे ही गोरखपुर पहुंचे, उनको एक बैलगाड़ी के ऊपर खड़ा कर दिया हैंड वेव करने के लिए कि गांधी जी आए हैं, आपके दर्शन लोग ले लेंगे। समझ आया? ये उनकी फेमस, हाँ वो पता नहीं आगे क्या करा उन गिफ्ट का, पर लोग दीवाने थे, मतलब गांधी के पीछे थे दीवाने थे कि अपना सब कुछ सोना वोना सब उतारने को तैयार थे। तो ये गांधी का पर्सनालिटी दिखाया हुआ है, गांधी इतने फेमस थे आम जनता के बीच में, जो वैसे बेचारे गरीब बैठे हैं वो और गरीब होने को तैयार है गांधी के लिए। ठीक है, सब कुछ न्योछावर कर देंगे।
मुस्कान कुछ पूछना है? ठीक है, आगे पढ़ते हैं। अब आपको यहां से आ जाएगा, व्हाइल महात्मा गांधी मास अपील वाज अनडाउटेडली जेन्युइन एंड इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स विदाउट प्रेसिडेंट, इट मस्ट आल्सो बी स्ट्रेस्ड दैट हिज सक्सेस इन ब्रॉडनिंग द बेस ऑफ नेशनलिज्म वाज बेस्ड ऑन केयरफुल ऑर्गेनाइजेशन। आपको यहां से क्वेश्चन आ जाएगा, हाउ गांधीज मास अपील हेल्प इन ब्रॉडनिंग द बेस ऑफ नेशनलिज्म। क्वेश्चन लिख लो, हाउ गांधीज मास अपील हेल्प इन ब्रॉडनिंग द बेसिस ऑफ नेशनलिज्म। गांधी की मास अपील ने किस तरीके से देश के राष्ट्रवाद के लिए लोगों को इकट्ठा किया? हाउ गांधीज मास अपील, ये जो मैं आपको क्वेश्चंस दूंगी उसमें होगा ये, हेल्प इन ब्रॉडनिंग द बेस ऑफ नेशनलिज्म। शुरू करूं? न्यू ब्रांचेस ऑफ द कांग्रेस वर सेटअप, तो कांग्रेस की छोटी छोटी ब्रांचेस सेटअप करी गई थी दुनिया देश के अलग अलग पार्ट में, ठीक है। छोटे दो ब्रांचेस एज एन कांग्रेस जो है जगह जगह खुल गई थी, सबसे पहली बात ये। सेकेंड, अ सीरीज ऑफ प्रजा मंडल वर एस्टैब्लिश्ड टू प्रमोट द नेशनल स्पिरिट इन द प्रिंसली स्टेट्स। छोटे छोटे ग्रुप्स बना दिए गए थे प्रजा मंडल के, जो लोगों को जाके एकत्रित कर रहे थे कि आप देश की आजादी में लड़ाई में हिस्सा लीजिए। गांधी एनकरेज द कम्युनिकेशन ऑफ द नेशनलिस्ट मैसेज इन मदर टंग रादर देन इन द लैंग्वेज ऑफ रूलर्स इंग्लिश। गांधी जी आम जनता के पास कोई मैसेज भी भिजवा रहे थे तो देसी भाषा में भिजवा रहे थे, अंग्रेजी भाषा में नहीं भिजवा रहे थे। दस द प्रोविंशियल कमेटी ऑफ द कांग्रेस वर बेस्ड ऑन लिंग्विस्टिक रीजन रादर देन ऑफ आर्टिफिशियल बाउंड्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। तो जो कांग्रेस की जो ब्रांचेस बनी थी वो भाषा के आधार पर बनी थी, कि पंजाबी की कांग्रेस एक हो गई, गुजराती की कांग्रेस एक हो गई, मराठी की कांग्रेस एक हो गई, आपकी जो है हरियाणवी की कांग्रेस एक हो गई, आपकी मद्रासी की कांग्रेस एक हो गई। तो ये लैंग्वेज के आधार पे कांग्रेस की छोटी छोटी ब्रांचेस बन गई थी और मैसेजेस वहां से जो है वहां की लोकल भाषाओं में जा रहे थे। इन दिस डिफरेंट वेज नेशनलिज्म वाज टेकन टू द फार्थेस्ट कॉर्नर ऑफ द कंट्री एंड एम्ब्रेस्ड बाय सोशल ग्रुप प्रीवियसली अनटच्ड बाय इट। तो ये जो लैंग्वेज के बेसिस पे उन्होंने आधार किया देश को, अंदर डिफरेंट डिफरेंट एरिया में डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज में मैसेजेस भिजवाए, इसके द्वारा हर कोने में गांधी का मैसेज पहुंचा और लोग इकट्ठे हो गए। ये तीन पॉइंटर्स हैं, ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है आपका। आगे बढ़ो। बाय नाउ अमंग द सपोर्टर्स ऑफ द कांग्रेस देर आर सम प्रॉस्परस बिजनेसमैन एंड इंडस्ट्रियलिस्ट। तो अब सिर्फ गरीब आम जनता किसान नहीं थे, इसके अलावा बिजनेसमैन एंटरप्रेन्योर्स भी उनको ज्वाइन कर गए थे। इंडियन एंटरप्रेन्योर्स वर क्विक टू रिकॉग्नाइज दैट एंड फ्री इंडिया द फेवर्स एंजॉयड बाय ब्रिटिश कॉम्पिटिटर वुड कम टू एन एंड। तो ब्रिटिशर्स के अंडर, सॉरी, हिंदुस्तान में जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे, इन्होंने गांधी को क्यों ज्वाइन करा? इन्होंने अपने फायदे के लिए ज्वाइन किया, कि इनको दिख रहा था कि अंग्रेज लोग हिंदुस्तान से जाएंगे तो मोटा प्रॉफिट हम इंडस्ट्रियलिस्ट को मिलेगा। तो मेजर जो एंटरप्रेन्योर्स थे जिन्होंने गांधी को ज्वाइन किया, कांग्रेस को ज्वाइन करा, वो जीडी बिरला, ठीक है, सपोर्टेड बाय द नेशनल मूवमेंट ओपनली, अदर्स डिड सो टैक्टिकली। दस गांधी जी एडमायर द अमंग गांधीज एडमायरर वर बोथ पुअर पेजेंट्स एंड रिच इंडस्ट्रियलिस्ट। अब गरीब और अमीर दोनों गांधी के साथ है, ठीक है, हिंदू और मुसलमान दोनों गांधी के साथ है। तो गांधी का जो होल्ड था वो बहुत स्ट्रॉन्ग था। वर समवट डिफरेंट फ्रॉम रिच इंडस्ट्रियलिस्ट द रीजन वाई प्रेजेंट फॉलोअर, पर गांधी को गरीब लोगों का फॉलो करने का रीजन अलग था और अमीर लोगों का फॉलो करने का रीजन अलग था। वाइल महात्मा गांधी ओन रोल वाज वाइटल द ग्रोथ ऑफ व्हाट ही माइट कॉल गांधीयन नेशनलिज्म आल्सो डिपेंड ऑन वेरी सब्सटेंशियल एक्सटेंडेड ऑन द फॉलोअर्स। 1917 से 1922 के बीच में अ ग्रुप ऑफ हाईली टैलेंटेड इंडियन अटैच देमसेल्फ टू गांधी जी। तो गांधी के पास हाई क्लास लोग, इंडस्ट्रियलिस्ट लोग भी हैं, लो क्लास लोग पेजेंट्स भी हैं, और मिडिल क्लास इंटेलिजेंट हाई प्रोफाइल लोग भी ऐड हो गए थे, जिसके अंदर आपके थे महादेव देसाई, वल्लभ भाई पटेल, जे बी कृपलानी, सुभाष चंद्र बोस, अब्दुल कलाम आजाद, जवाहरलाल नेहरू, सरोजिनी नायडू, गोविंद वल्लभ पंत एंड सी राजा गोपालाचारी। हाई एमिनेंट पॉलिटिकल फिगर्स ऑफ इंडिया जॉइंड गांधी जी। नोटेबली दीज क्लोज एसोसिएट्स ऑफ गांधी जी केम टू बी डिफरेंट केम फ्रॉम डिफरेंट रीजन from different religious tradition in turn they inspired countless other Indians to join the Congress and work for it। तो इन्होंने अलग अलग एरिया से, नॉर्थ से, साउथ से, ईस्ट से, वेस्ट से लोगों को इकट्ठा करा और पूरे हिंदुस्तान के लोगों को भी अट्रैक्ट कर लिया। महात्मा गांधी वॉज रिलीज फ्रॉम द प्रिजन इन 1924 एंड नाउ चोज टू डिवोट हिज अटेंशन फॉर द प्रमोशन ऑफ होमस्पन खादी एंड द अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी
इनको जो है 1922 में जेल में डाला गया था, 24 में ये बाहर आए थे, और इन्होंने जो है खादी बनाना और अनटचेबिलिटी को हटाने पे काम किया था, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। फॉर गांधी वॉज मच ऑफ अ सोशल रिफॉर्मर, ही वॉज अ पॉलिटिशियन, ये समाज के बदलाव से ज्यादा एक नेता बहुत तगड़े थे। ही बिलीव दैट इन ऑर्डर टू बी वर्दी ऑफ फ्रीडम इंडियंस बिलीव दैट इन ही बिलीव दैट इन ऑर्डर टू बी वर्दी ऑफ फ्रीडम इंडियंस हैड टू गेट रिड ऑफ सोशल इवल्स। सबसे पहले हिंदुस्तानियों को कुछ अपनी कुनीतियाँ, कुछ अपनी बुरी आदतें छोड़नी पड़ेंगी। सबसे पहले तो ये जात पात का सिस्टम छोड़ना पड़ेगा, चाइल्ड मैरिज बंद करानी पड़ेगी, अनटचेबिलिटी से हटना होगा। इंडियंस ऑफ वन फेथ ऑल्सो हैड टू कल्टिवेट अ जेन्युइन टॉलरेंस फॉर हिंदूज फॉर अनदर। सबसे पहले हिंदू मुसलमान की आपस में साझेदारी होना, आपस में जो है भाईचारा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद सेल्फ रिलायंस, मेक इन इंडिया के ऊपर इनका बहुत ज़्यादा फोकस था। इतना समझ में आया, इम्पोर्ट नहीं कराने का, अपने देश में ही माल बनाने का। नहीं, इंडियन लैंड ओनर्स को क्या हुआ था, इससे पहले हमने चैप्टर 10 वगैरह में देखा था, अंग्रेजों ने धीरे धीरे क्या कर दिया था, जो ताल्लुकदार थे, जमींदार थे, उनकी भी पावर कम कर दी थी, तो वो भी अंग्रेजों से चिड़े बैठे थे। ठीक है, पहले जो जमींदार लोग थे वो टैक्स इकट्ठा करके गरीबों से अपना कमीशन काट के अंग्रेजी सरकार को दिया करते थे। अब ब्रिटिश सरकार ने क्या करा कि अपने खुद के बंदे इम्प्लॉय कर लिए और जमींदार और तालुकदार को सारे सीन से हटा दिया कि तुम्हें कोई टैक्स तुम्हारे हाथ में नहीं आएगा, सारा पैसा डायरेक्टली हमारे हाथ में आएगा, तुम साइड हो जाओ, बल्कि तुम्हारे जो महल है, तुम्हारे जो घर है, वो भी अब हमारे हो गए। समझ आया? कोई टैक्स नहीं देता था तो जमींदार के ऊपर भी बात आ जाती थी और गांव वालों पर भी बात आ जाती थी, उनकी लैंड ले ली जाती थी। हाँ, क्योंकि देखो गांधी ना जहां फाइट करने जाता था वो जीत के ही आ रहा था। लोगों ने सबसे पहले ये देखा कि गांधी चाहे सत्याग्रह करे, चाहे कुछ भी कर ले, ये ब्रिटिशर्स की बैंड बजाने में ना पॉसिबल था, मतलब गांधी के लिए, तो कहीं ना कहीं ब्रिटिश सरकार गांधी से थोड़ा सा दब रही थी। अब उसके नक्षत्र इतने बढ़िया थे या क्या था भगवान जाने गांधी के, पर अंग्रेजी सरकार वाकई में गांधी के आगे थोड़ा सा दब रही थी, तो लोगों को बहुत विश्वास था गांधी पे कि गांधी करवा देगा कुछ ना कुछ। समझ आया? द सॉल्ट सत्याग्रह अ केस स्टडी, यहाँ पे हम वो दांडी मार्च के बारे में पढ़ेंगे। फॉर सेवरल ईयर्स आफ्टर द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एंडेड, महात्मा गांधी फोकस्ड ऑन सोशल रिफॉर्म। इन 1928 हाउएवर ही बिगेन टू थिंक ऑफ री एंटरिंग द पॉलिटिक्स। तो 24 से 28, 4 साल गांधी जी शांत बैठे हुए थे, बस लोगों को वो कह रहे थे कि ये जाति का अनटचेबिलिटी है, ऊंच नीच है, इसको खत्म करो, इस चीज में लगे हुए थे। 1928 में फिर उनके अंदर भूत आया, उन्होंने कहा अब तो फिर कुछ करना पड़ेगा। दैट ईयर देयर वाज एन ऑल इंडिया कैंपेन इन ऑपोजिशन टू ऑल वाइट साइमन कमीशन सेंट फ्रॉम इंग्लैंड टू इंक्वायर इनटू कंडीशन इन द न्यू कॉलोनी। इन द कॉलोनी गांधी डिड नॉट हिमसेल्फ पार्टिसिपेट इन दिस मूवमेंट, ऑल्दो ही गेव इट हिज ब्लेसिंग, ऑल्सो ही डिड टू अ प्रेजेंट सत्याग्रह इन बारडोली इन द सेम ईयर। तो गांधी जी, एक साइमन कमीशन आ रहा था, साइमन कमीशन सुन लो, हमें कभी भी क्लियर नहीं करा जाता है बचपन में कि साइमन कमीशन क्या था। सर साइमन जो थे ब्रिटिशर थे, उनको जो है उनके पास ईस्ट इंडिया कंपनी की कुछ खबरें पहुंची कि ईस्ट इंडिया कंपनी ढंग से काम नहीं कर रही है हिंदुस्तान में, तो उनकी चेकिंग के लिए मिस्टर साइमन आ रहे थे यहाँ पे। और जो कमेटी बिठाई गई थी मिस्टर साइमन के अंडर, उसके अंदर सारे अंग्रेज थे, तो हिंदुस्तानियों को ये प्रॉब्लम आ गई थी कि आप हिंदुस्तान का टेक केयर करने आ रहे हो या हिंदुस्तान के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करने आ रहे हो कि यहाँ पे सब कुछ ठीक हो रहा है कि नहीं, और आपकी कमेटी के अंदर एक भी हिंदुस्तानी नहीं है, तो हम कैसे मान लें कि जो आप ये रिपोर्ट लेके जाओगे यहाँ से वो अनबायस्ड होगी? आपकी रिपोर्ट तो टोटली बायस्ड होगी, आप अंग्रेजों के फेवर में लिखोगे, हिंदुस्तानियों के फेवर में आप क्यों लिखोगे? तो ये रिपोर्ट का जब कोई फायदा ही नहीं था, तो हिंदुस्तानियों ने इसके अगेंस्ट रिवोल्ट कर दिया कि ये कमेटी आएगी नहीं, हम इस कमेटी को ही नहीं आने देंगे। तो बहुत बड़ा रिवोल्ट हुआ था, इसमें लाला लाजपत राय की डेथ भी हो गई थी, डंडा मार दिया गया था उनके सिर पे अंग्रेजों द्वारा, एंड उनकी डेथ हो गई थी। तो ये जो साइमन गो बैक के जो नारे लगे थे, रिवोल्ट हुआ था, इसमें गांधी ने कहा मैं तो डायरेक्टली नहीं जाऊंगा, बट मेरे आशीर्वाद आप लोगों के साथ है, आप लोग जाओ। इतना समझ में आया?
इन द एंड ऑफ दिसंबर 1929 कांग्रेस का एनुअल सेशन हुआ लाहौर में, और 1929 की खास बात यह है कि पूर्ण स्वराज की बात पहली बार बोली गई थी। द मीटिंग वॉज सिग्निफिकेंट फॉर टू थिंग्स, द इलेक्शन ऑफ जवाहरलाल नेहरू एज अ प्रेसिडेंट सिग्निफाइंग द पासिंग ऑफ बेटन ऑफ लीडरशिप टू द यंगर जनरेशन। तो सबसे पहले 1929 में जो इंडियन नेशनल कांग्रेस था उसका प्रेसिडेंट की पोस्ट दे दी गई थी जवाहरलाल नेहरू को, और दूसरी चीज जो हुई थी पूर्ण स्वराज वर्ड बोल दिया गया था कि अब तो हमें आज़ादी चाहिए ही चाहिए। नाउ द पेस ऑफ पॉलिटिक्स पिक्ड अप वंस मोर, 26 जनवरी 1930 को इंडिपेंडेंस डे मना दिया गया था, उस दिन पहली बार देश का झंडा फहराया गया था और जनगणमन गाया गया था, वंदे मातरम गाया गया था नॉट जनगणमन, पेट्रियोटिक सॉन्ग गा दिया गया था 26 जनवरी 1930 को। इसी वजह से हमने 26 जनवरी की डेट चुनी है 1950 में भी रिपब्लिक डे बनाने के लिए। गांधी जी हिमसेल्फ इशूड प्रिसाइज इंस्ट्रक्शन एज हाउ टू द डेज शुड बी ऑब्जर्व, इट वुड बी गुड। He said, if the declaration of independence is made by the whole village, the cities, even I would be well if all the meetings held at identical minute at the all places. उन्होंने कहा पूरे हिंदुस्तान में एक ही समय पे सारी जगह मीटिंग होनी चाहिए, और जो मीटिंग होगी पूरे हिंदुस्तान में वो ड्रम बजा के नगाड़े बजा के होगी, झंडा फहराया जाएगा और लोग कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्टिव वर्क करेंगे, चरखा चलाएंगे, अनटचेबल्स को जो है मतलब कि जात भेद भूल के लोग अनटचेबल्स को भी अच्छा ट्रीट करेंगे, हिंदू मुसलमान साथ में खाना खाएंगे, साथ में वक्त गुजारेंगे, ये सब चीज़ें बोली गई थी। तो ये इतना खास नहीं है। अब आ जाओ डांडी पे, डांडी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन 100% आ रहा है, डांडी को 100% मार्क कर लो। सोर्स नंबर 3 ये डांडी ये आ रहा है। डांडी बेसिकली आप लोगों को पता है क्या चीज़ थी, डांडी मार्च किस लिए हुआ था? सॉल्ट के लिए हुआ था। तो अब इसके बारे में हम पढ़ते हैं, आज का लास्ट टॉपिक होगा हमारा डांडी। महात्मा गांधी ने अनाउंस कर दिया कि वो जो है एक बहुत बड़ी मार्च यात्रा पे निकलेंगे, जिसके अंदर वो एक सबसे बड़े कानून अंग्रेजों के द्वारा बनाए हुए कानून को तोड़ेंगे, जो था नमक पे टैक्स लगाना। ठीक है, अंग्रेजी सरकार नमक के ऊपर टैक्स लगाती थी कि अगर आपको नमक आप खुद से नहीं बना सकते हो, आपको अंग्रेजी सरकार का नमक ही खाना पड़ेगा, और उसके ऊपर बहुत टैक्स लेती थी। तो गांधी जी ने ये नमक यात्रा करी और नमक खुद से बनाया। ये नमक बनाने का उनका मुख्य कारण था कि अब हम अंग्रेजों की मोनोपोली को तोड़ना चाहते हैं, अब हर घर में नमक बनेगा और हम लोग खुद खाएंगे, हमें आप लोगों के साथ की रिक्वायरमेंट नहीं है। और ये नमक को ही गांधी ने क्यों चुना? नमक कौन कौन खाता है, कौन सी धर्म के कौन सी जात के लोग नमक खाते हैं? एवरी इंडिविजुअल नमक खाता है, तो उन्होंने नमक को चूज ही इसलिए किया। तो गांधी ने यहाँ पे बहुत स्मार्ट बताया था उन्होंने, तो गांधी ने नमक को इसलिए चूज करा क्योंकि नमक द्वारा वो हर एक व्यक्ति को उजागर कर सकते थे, वो कर सकते थे, क्या बोल सकते हैं, अब उनको मोटिवेट कर सकते थे कि चलिए मिलके अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाते हैं। तो नमक वो समथिंग विच वॉज यूज बाय एवरी हाउस होल्ड, और अंग्रेजी सरकार ने क्या कर रखा था, नमक पे टैक्स लगा रखा था, जो हर किसी के लिए बहुत ही अनिवार्य चीज थी, हर किसी के डोमेस्टिक यूज में होती थी और बहुत महंगा नमक बिका करता। तो गांधी जी ने हिंदुस्तानियों को एकत्रित करने के लिए एकमात्र नमक को चुना, जिसके द्वारा वो हर हिंदुस्तानी को इकट्ठा कर सकते थे। तो क्वेश्चन आ जाएगा व्हाई ओनली सॉल्ट, व्हाई गांधी जी डिड सॉल्ट मार्च, तो उसमें आप ये लिखोगे नमक एक ऐसी चीज थी जो हर घर में यूज होती थी और इंडिया का जो नेशनलिस्ट मूवमेंट था उसको मोबिलाइज करने के लिए, उसको यूनाइट करने के लिए उन्होंने नमक का यूज किया। वेयर मोस्ट इंडियन अंडरस्टूड दिस, 3 मार्कर, ठीक है, ये 3 to 8 मार्कर दोनों हो सकता है, कहीं भी डल सकता है, क्वेश्चन करवाऊंगी तो पूरा मार्क करवाऊंगा। फिर मोस्ट ऑफ द इंडियन अंडरस्टूड द सिग्निफिकेंस ऑफ गांधी जी चैलेंज, द ब्रिटिश आर अपेरेंटली डिड नॉट, अंग्रेजों को समझ में नहीं आया कि नमक से कर क्या लेगा। ऑल्दो गांधी जी हैज गिवन द एडवांस नोटिस टू सॉल्ट मार्च टू द वाइसरॉय लॉर्ड इरविन, इरविन फेल्ड टू ग्रास्प द सिग्निफिकेंस ऑफ द एक्शन। तो गांधी ने पहले लिख के भेज दिया था कि हम सॉल्ट मार्च करने वाले हैं, तो लॉर्ड इरविन ने कहा ये क्या बकवास है, नमक से क्या होता है, गो टू हेल। तो 12 मार्च को गांधी जी निकल लिए। गांधी जी बिगेन वॉकिंग फ्रॉम हिज आश्रम एट साबरमती टुवर्ड्स द ओशन, ही रीच्ड द डेस्टिनेशन 3 weeks लेटर, मेकिंग अ फिस्ट फुल ऑफ नमक, एंड उन्होंने जो है नमक बनाते साथ ही अंग्रेजी सरकार की नजरों में वो नागायक हो गए। ऐसी सॉल्ट मार्चेस पूरे हिंदुस्तान में कई जगहों पे हुई। नेक्स्ट पेज पे आना, पहले पेज 358
as with non-cooperation movement, apart from the officially sanctioned nationalist campaign, there were numerous other streams of protest. तो ये salt march तो हुआ ही हुआ, उसके अलावा across a large part of India, peasant breached the hated colonial forest. तो जैसे ये नमक बनाने की बात मिली, तो लोगों ने जंगलों में जो काम कर रहे थे colonial forest में, वो जो है उन्होंने नहीं, लोगों को पहले जंगलों में जाना allowed नहीं था. पहले लोग अपने गाय भैंसे लेके बकरी लेके जंगलों में चराने के लिए लेके जाते थे, पर अंग्रेजी सरकार ने बोल दिया नहीं, हमारे प्राइवेट जंगल है, हम आपको घुसने नहीं देंगे. जैसे ही लोगों को पता चला कि गांधी ने एक कानून तोड़ दिया नमक बनाने का, लोग जगह जगह कानून तोड़ने लग गए. लोग अपने जानवरों को लेके जंगलों में पहुंच गए और खूब चराया उनको. एंड सम ऑफ द टाउन फैक्ट्री वर्कर्स जो है वो हड़ताल पे चले गए. लॉयर्स ने जो है ब्रिटिश कोर्ट्स में जाने से मना कर दिया, बच्चों ने स्कूल में जाने से मना कर दिया, यूनिवर्सिटीज में जाने से मना कर दिया. As in 1920, 22, now two Gandhi called had encouraged Indians of all classes to manifest their own discontent. The ruler responded by detaining the dissenters. तो अंग्रेजों ने क्या करना शुरू करा, जो जो अंग्रेजों की बात नहीं मार रहा उसको फिर जेल में डालना शुरू कर दिया. तो salt march, ये non cooperation, इसको civil disobedience का नाम दे दिया गया था. ये वाला नमक तोड़ने वाले को civil disobedience बोलते हैं. ये 1930 में हुआ था. वो जो था वो 2022, वो जो था चौरी चौरा 1922 का था मेरे ख्याल से. आठ साल बाद नमक वाला, ये वाला सीन 8 साल हुआ. और नमक का करते साथ ही गांधी ने दोबारा से वही बोल दिया कि जैसे आप 1920 से 22 तक आपने नॉन कोऑपरेशन में किया था, आप सिविल डिसऑबिडियंस में भी वही वही कर लो. तो एक्टिविटीज सेम थी, नाम अलग अलग दे दिए गए थे. ठीक है, तो गांधी ने 1930s के अंदर यही बात बोली कि जैसे आपने 20 से 22 में अपनी वो दिखाई थी कि आप अंग्रेजों के साथ नहीं है, आपको दोबारा 1930s में भी सेम एक्टिविटीज करनी है. ठीक है, तो अब क्या करा अंग्रेजों ने, 60,000 लोगों को उठा के जेल में डाल दिया. समझ आया? इतना समझ में आया? ठीक है, सोर्स 3 एंड सोर्स 4 हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं, आज के लिए इतना ही. ठीक है, बाय.